देखिए भैंस काफी बड़ी है हाथी के समान। नीचे पानी है ना, खुशी की बात है कि नीचे पानी है। इसको भी चलाइए, इसके भी नीचे बच्चा। क्या पानी है, कितने दिन की है? इधर चला दीजिए, जगह काफी है। अनिल भाई के पास भैंस हैं, उनके ही साथी हैं। देखिए अभी काफ़ी भारी भरकम भैंस है, बढ़ा दीजिए। पिछली बार भी हम इनकी वीडियो शूट किया था हमने, और अभी कुछ दो तीन भैंस हैं इनके पास। देख सकते हैं एक भैंस का ऑर्डर कुछ इस तरह है। पूरी अच्छी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कवर करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका पीछे से दिख रहा है, देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इस तरफ से कुछ इस तरह से, और भैंस कुछ इस तरीके की है। नीचे बच्चा भी है। पहले आप भैंस को देखिए अच्छे तरीके से, फिर कोशिश करेंगे इसका डिटेल पूछना। क्या बच्चा है? बारह। कितने रोज का है? यही 10 दिन होगा। ब्याह? ब्याह दोला है। दोला ब्याह है, 10 दिन का पाड़ा है। इसको आप वीडियो में चला दीजिए थोड़ा सा। एक सामाजिक कार्य के हेतु तहत हम दिखा रहे हैं, एक सामाजिक कार्य है, हम अपनी जनता को, ऑडियंस को, किसान भाई को दिखाते हैं ना, तो आप इसको चला दीजिए। आपको क्या मिलेगा? आपकी अभी हम पूछ रहे हैं ना, आपको क्या मिलेगा? अभी आप अगर कोई देखता है तुरंत वीडियो पड़ जाती तो आता है ना। देखिए बेहतरीन भैंस है, अर्डर क्वालिटी भी काफ़ी चौड़ा है, और मतलब जैसे पीछे से चौड़ा आगे से पतला मुख। कितना दूध देगी भाई ये? 12 किलो। आप देख सकते हैं जुबेरगंज में इस तरीके की भैंस काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आयन देखिए इसका, भैया आयन पे हाथ लगाइए थोड़ा, आप लगाइए, आप लगाएगा तब ना लगाएगा। अच्छा अच्छा, क्या दाम मांग रहे इसका? दाम मांग रहे 1,30,000। 1,30,000 अभी तक बिक्री नहीं किए हैं। कितना मिल रहा है, मतलब जो खरीदने वाले आ रहे हैं दे रहे हैं कितना? 1,105। अगर कितना मिल जाए तो आप छोड़ देंगे? आखिर एकदम नज़दीक से बताइए कि हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई देखते हैं कितना पर ले लेंगे, कितना आपको मिल जाए तो आप दे देंगे आखिरी? 1,15,18 मिलेगा। 1,15,18, 1,10 तक मिल रहा था, नहीं दिए आप? अच्छा, और आखिरी दूध की क्षमता क्या है इसकी? 12 किलो। अच्छा 12 किलो, 1 किलो टाइम से। अच्छा, अच्छा आप किस किस मंडी जाते हैं, मतलब कितनी आज भैंस लाए हैं ये पहले बताइए? 10 भैंस लाए थे, कितनी बिकी, कितनी अभी बाकी है? 8। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। तो आप जुबेरगंज के अलावा भी कोई मंडी जाते हैं कि बस यहीं? नारायणपुर जाते हैं। और दिलदार नगर? दिलदार नगर जाते हैं। विपिन सिंह जी से मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले। दिलदार नगर कई बार गए हैं आप? अच्छा, तो भी वहाँ की वीडियो शूट करते हैं। तो अगर कोई किसान भाई ख़रीदना चाहता है इनकी इस भैंस को, तो आप लोग देख सकते हैं ये हर रविवार को यहाँ पर आते हैं। अच्छी अच्छी ऐसी भैंसें रहती हैं क्वालिटी वाली, तो आप लोग इनको पहचान सकते हैं। ये पिछले अड्डी पर मिलेंगे आपको,
जो अच्छी भैंसें होती हैं ज़्यादातर कोतवाली की तरफ लोग लेकर आते हैं, जो दुधारू भैंस होती है। तो आप अगर दुधारू भैंस लाएँ तो कोतवाली की तरफ ज़्यादा बांधें वहाँ, क्योंकि उधर लोग को दुधारू भैंस उधर खरीदना पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली भैंस, 12-14-15 लीटर वाली। तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है इनकी भैंस को तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे चले कोतवाली की तरफ। चार भैंस जो अजीत भाई बोले थे, काफ़ी देर हो गया, हो सकता है बिक गई हो। अजीत भाई बोले थे उधर जाओ तुरंत, आपको चार बड़ी बड़ी भैंसें मिलेंगी। देखते हैं बिकी है या नहीं, चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कोतवाली की तरफ, यानी कोतवाली के पीछे, मस्जिद के पीछे। कुछ इस प्रकार से व्यू है कोतवाली के पीछे, तो बने रहिए। अभी यहाँ यहाँ जो भैंसें दुधारू होंगी उनकी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया भैंसें आई हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, नज़दीक से दाम पूछने की कोशिश भी करेंगे। और ये है जो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, पप्पू होटल, पप्पू होटल वहाँ पे है, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से व्यू है यहाँ का। बहुत ही बढ़िया भैंस दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी देर से एक व्यापारी भाई विक्रेता हैं जो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन कस्टमर आकर लौट जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई चाह रहा है, ख़रीदना चाह रहा है, पसंद करना चाह रहा है तो देख सकते हैं। दो दिन का क्या बच्चा है, नीचे पहाड़ा है। इसकी अभी हम बढ़िया से वीडियो कवर करते हैं। एक देखिए, चलाओ भैया बढ़िया दिखाओ, तो जो किसान भाई देख रहे हैं। इसकी चाल देखिए, दूध क्षमता इसकी क्या है, 11 लीटर। हाँ, बच्चा छोड़ के और ज़्यादा है, 12। कितना है दाम इसका, 95 कह रहा है, 80,000 में दे देंगे। अच्छा, 75,000 आखिरी दाम है, कोई अगर लेना चाहेगा तो देंगे। बड़ी बड़ी वीडियो बनावा मारते हो बाजारी टाप। छूट मिल रही, ठीक है आपकी, यहीं पे यहाँ तिलक गंडे वाली दुकान है, मस्जिद के बगल, देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद है। और यहाँ पर नाम क्या है आपका, सुजीत, सुजीत। हाँ, तो ये गंडे जहाँ पर भैंस का या पशुओं के श्रृंगार का सामान मिलता है, सुजीत चौहान भाई हमारे, हाँ उसी के बगल ये लाते हैं हमेशा। तो अगर ख़रीदना चाह रहे हैं आप तो यहीं पर आ सकते हैं। 75,000 आखिरी दाम बता दिया भाई ने, इससे कम नहीं हो पाएगा, हो सकता है 1,500 उसमें भी कम उसी हो जाए। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है भाई। देख रहे हैं एक बड़ी भैंस है, आप देख रहे हैं खोल रहे हैं, थोड़ा समय लगा रहे हैं, तक हम दिखा रहे हैं इसका क्वालिटी क्या है। क्या है बच्चा इसका भैया, कितने रोज की है, अच्छा ठीक है, बढ़ाइए।
देखिए भैंस काफी बड़ी है हाथी के समान। नीचे पानी है ना, खुशी की बात है कि नीचे पानी है। अच्छा तो इसकी दूध क्षमता क्या है भैया? 18 किलो दूध दे रही है। और एक बार इसका कीमत बताइए। 2,25,000। तो अभी कब तक बिक्री नहीं किए हैं, कितना क्यों क्या दाम मिल रहा है इसका? नहीं किए हैं अभी, इधर देख के कैमरे में देख के बताइए कितना मिल रहा है? 1.5 लाख। तो आपको कितना मिल जाए आखिरी दाम तो छोड़ देंगे, नज़दीक से बताइए कि कितना चाह रहे हैं। 1,80,000 या 90,000। भैंस काफ़ी बड़ी है ना, देख सकते हैं 18 किलो पक्का दूध है। कहाँ के रहने वाले भैया जी? महाराजगंज गोरखपुर। तो हर रविवार को ऐसी ही भैंसें डालते हैं? घर पे भी रखते हैं? हाँ, घर पे भी रखते हैं। तो आप नंबर बताएं पहले अपना। 95,54। अच्छा अनिल भाई के साथ है ना? 95,54 11 30 28। ये इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग घर पे भी जा सकते हैं और यहाँ भी मौजूद हैं मस्जिद के बगल में। याली चलाइए एक बार, इसको भी चलाइए। इसके भी नीचे बच्चा क्या पाड़ी है? कितने दिन की है? इधर चला दीजिए, जगह काफ़ी है। अनिल भाई के पास भैंस हैं, उनके ही साथी हैं। देखिए अभी काफ़ी भारी भरकम भैंस है, बढ़ा दीजिए। पिछली बार भी हम इनकी वीडियो शूट किया था हमने। और अभी कुछ दो तीन भैंस इनके पास हैं। कितनी भैंस आज लाए थे भैया जी? चार लाए थे। बिक्री हो गई कुछ कि अभी चारों बाकी हैं? एक बिकी है। दो तीन बार इसको दिखाएंगे आप, इसकी मिल्क वेल देखिए। विनय सिंह लोधी और अनिल भाई, दो भैंस बड़ी बड़ी हैं। तो इसकी क्या दूध क्षमता है भैया? नहीं दूध क्षमता बताइए फिर दाम बताइए। 19 लीटर। इसका 2.5 लाख मांग रहे हैं। तो जो किसान है व्यापारी भाई आ रहे हैं, इसका दाम क्या लगा रहे हैं? 1,40 के 1,50। आप 2.5 लाख मांग रहे हैं, 1,60 भी लगाए तो एक कितने तक हो जाए? 1,70 करीब। दोनों को एक ही दाम लगेगा, इसका भी उसका भी? एक ही दाम लगेगा। 80-80 करीब हो जाएगा। बढ़िया भैंस तो बढ़िया है यार, लेकिन कुछ व्यापारी भाई आके देख रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कहीं ना कहीं दाम की वजह से हो सकता है ऐसा। कुल 3 भैंस यहाँ पर बची हुई हैं। ये वाली भी है ना, इसका क्या दाम है? इसका 1,500। इसका बच्चा क्या है? पाड़ा है, चार दिन का। 90,000 तक हो जाएगा। दूध क्षमता बताइए एक बार। 12 किलो।
12 किलो दूध है, जस्ट मस्जिद के बगल में ये भैंसे हैं मौजूद। जो कोई ख़रीदना चाहता है नंबर पे संपर्क करके आप यहाँ से भी भैंस को क्रय कर सकते हैं और घर से भी क्रय कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारी वीडियो को देखते हैं एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छी भैंस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ से देखिए वीडियो काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। धन्यवाद।